इस लड़की के अजीबोगरीब सवाल सुनकर बाबा जी के बोलती बंद हो गए। दोस्तों, इस लड़की के सवाल सुनकर आपके भी दिमाग चकरा जाएंगे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आपका होश उड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस लड़की ने बाबा जी के मंच पर बाबा जी से किया अजीबोगरीब सवाल, जिसे सुनकर पंडाल पर बैठे सारे लोग दंग रह गए कि आखिर इस तरह के सवाल बाबा जी से कैसे पूछ लिया। बाबा जी भी कुछ देर के लिए सुन्न पड़ गए कि आखिर इस महिला के सवाल का क्या जवाब दिया जाए। बाबा जी कुछ देर तक सोचते रहे, फिर सोचने के बाद एक सटीक जवाब दिया। तो दोस्तों, सबसे पहले इस लड़की के सवालों को जान लेते हैं। जब बाबा जी के मंच पर इस लड़की की अर्जी स्वीकार हुई, बाबा जी के मंच पर पहुंचते ही लड़की ने बाबा जी से सवाल किया कि मेरी बहन की संबंध किसी अदर कास्ट के लड़के के साथ है, और बाबा जी मैंने अपनी बहन को काफ़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरी बहन समझने के लिए तैयार ही नहीं है। उसका कहना है कि मैं उसी लड़के से ही शादी करूंगी, और 2-3 दिन हो गए मेरी बहन उसी लड़के के साथ घर छोड़कर भाग गई है, और आज अभी जब मैं आपके मंच पर हूँ तो मेरी बहन वापस घर भी लौट आई है। तो बाबा जी, अब आप मुझे बताइए कि मैं अपनी बहन की शादी उसी अदर कास्ट वाले लड़के से कराऊं, या तो फिर अपनी बहन जो वापस लौट कर आ गई है उसकी शादी अपने ही कास्ट के लड़के से कराऊं। तब बाबा जी भी सोच में पड़ गए कि आखिर ये लड़की ऐसा क्यों कह रही है, ये अपनी बहन की शादी अदर कास्ट के लड़के के साथ कैसे करा सकती है जबकि इसकी बहन वापिस लौट कर घर आ गई है। और लड़की ने आगे ये भी कहा कि मेरा पूरा परिवार चाहता है कि मेरी बहन की शादी मेरे ही कास्ट के लड़के से हो, तो बाबा जी अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर बाबा जी ने लड़की को जवाब देते हुए कहा कि आपका पूरा परिवार जो चाहता है वो सही चाहता है कि आप अपनी बहन की शादी अपने ही कास्ट के लड़के के साथ करो। और फिर लड़की ने बाबा जी को आगे और एक बात बताई जो सबको हैरान कर देने वाली है। लड़की ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, ना ही मैं आपको YouTube चैनल पर देखती थी और ना ही कभी TV पर देखती थी, फिर भी पहली बार आई हूँ और मेरी अर्जी स्वीकार हो गई है। तब बाबा जी ने कहा कि बालाजी की महिमा भी सच में निराले है। फिर बाबा जी ने लड़की से पूछा कि बहन, अब तुम क्या चाहती हो। तब लड़की ने जवाब दिया कि बाबा जी, मैं अपनी बहन की शादी अपने ही कास्ट के लड़के से करना चाहती हूँ, आप मेरी बहन की दिमाग से उस लड़के का याद मिटा दीजिए। तब बाबा जी ने लड़की को आशीर्वाद देते हुए कहा कि बहन, अब आप जाकर अपनी बहन की शादी अपने ही कास्ट के लड़के से कर सकते हो, उस लड़के के बारे में अब आपकी बहन सोचेगी भी नहीं, और आप भी अपनी बहन की शादी किसी दूसरे कास्ट के लड़के के साथ कराने के बारे में सोचना भी मत। इस तरह से बाबा ने लड़की को आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे बागेश्वर धाम सरकार के बारे में, अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और मिलते हैं बागेश्वर धाम सरकार के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय बागेश्वर धाम सरकार, जय सन्यासी बाबा, जय सीताराम।